और अब खबर झुंझुनू के सूरजगढ़ से है, जहां जीड़ी गांव में 5 जून को मिले जलते हुए शव के मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जी हां, झुंझुनू जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित की गई टीमों ने मृतक के शव की शिनाख्त कर दी है और सूरजगढ़ थानाधिकारी वीरेंद्र सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक की शिनाख्त दिल्ली के मलिकपुर निवासी युवक कपिल डागर के रूप में हुई है। मृतक दिल्ली की एक कंपनी में गार्ड था और घर नहीं लौटने पर परिजनों ने जफरपुर कला थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। थानाधिकारी ने बताया कि अपराधियों तक पहुंचने के लिए दिल्ली और राजस्थान पुलिस मिलकर कार्रवाई कर रही है और खैर अब ये मामला अब भी पुलिस के लिए पहेली बना हुआ है कि कपिल की हत्या किसने की और दिल्ली से यहां करीब 200 किलोमीटर लाकर शव को क्यों जलाया गया। पांच तारीख को 4:55 थाने पर सूचना आई थी कि कोई अज्ञात बदमाश जीनी जोड़े के अंदर कोई डेट भी डालकर उसमें आग लगाकर भग गए, जिस पर मौके पर पहुँच कर डेड बॉडी कब्जे में लिया, फैसल टीम जांच करवाई गई, फुटप्रिंट लिए गए, डेड बॉडी को मेडिकल बोर्ड दाह संस्कार करवाया गया। डेड बॉडी और मिट्टी के बीच में कुछ कपड़े के टुकड़े मिल गए, उसके उन टुकड़ों के आधार पर गहनता से जांच की, आस पास के थाने जाए तो वह दिल्ली से मालूम किया तो दिल्ली में संबंध में कपड़ों के संबंध में गुमशुदगी दर्ज हुई।